दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए माय ब्यूटीफुल होम यानी मेरा खूबसूरत घर, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है खूबसूरत या सुंदर, होम का अर्थ होता है घर यानी मेरा सुंदर घर, माय का अर्थ होता है मेरा, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर और होम का अर्थ होता है घर यानी मेरा सुंदर घर। इसके बारे में दोस्तों अभी ऐसे लिखा हुआ है, नीचे अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है। इसका दोस्तों अभी हम एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे जिससे आपको आसानी से अंग्रेजी का हिंदी करने आपको आएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं यानी चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अंग्रेजी सीखने वाला वीडियो हमेशा लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। माई होम इज ए स्पेशल प्लेस। माई होम इसका अर्थ होता है मेरा घर, इज का अर्थ होता है एक अर्थ होता है एक, स्पेशल स्पेशल का अर्थ होता है विशेष और प्लेस प्लेस का अर्थ होता है स्थान या जगह, यानी मेरा जो घर है एक विशेष जगह है। आई लिव विथ माई मॉम एंड डैड एंड माई सिस्टर्स। आई लिव का अर्थ होता है मैं रहता हूँ, विथ विथ का अर्थ होता है साथ, माई मॉम मेरी मॉम के साथ एंड डैड और अपने डैड के साथ एंड माई सिस्टर और अपने भाई बहन और बहनों के साथ। लिटिल ब्रोदर एंड माई डॉग। लिटिल लिटिल का अर्थ होता है छोटा, है ना, छोटा। ब्रोदर ब्रोदर का अर्थ होता है भाई यानी छोटा भाई के साथ एंड और माय डॉग और अपने कुत्ते के साथ यानी मेरे कुत्ते के साथ। डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। आई हैव बेडरूम। यहाँ पे बेडरूम भी है यानी सोने का कमरा भी है। विथ ए विंडो जिसमें एक खिड़की भी है। दैट लेट अस इन द सन और उसमें क्या है कि सूर्य का जो रोशनी है वो भी उसमें आता रहता है। वी आल्सो हैव ए लिविंग रूम। वी का अर्थ होता है हम लोग, प्रायः लिविंग रूम यानी रहने वाला जो कमरा है वहां पे रहते हैं। विथ ए टीवी एंड ए किचन और टीवी भी है वहां पे किचन में। विथ ए फ्रिज और वहां पे फ्रिज है यानी रेफ्रिजरेटर भी है। डैट हैज फूड इन इट और डैट का अर्थ होता है कि, फूड का अर्थ होता है खाना, इन इट और वो जो रेफ्रिजरेटर है उसमें खाना भी वहां पे रखा जाता है।